इंजीनियर बनने का सपना हर किसी का होता है। इसके लिए स्टूडेंट्स अच्छे से अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन लेना चाहते हैं। बच्चों के भविष्य के लिए पेरेंट्स भी परेशान रहते हैं। इसके लिए वे वेबसाइट से लेकर गूगल तक खंगालते रहते हैं ताकि एडमिशन के मामले में किसी तरह की कोई कोताही ना हो। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में हम आपको बिहार के उन टॉप 5 इंजीनियरिंग कॉलेजों के बारे में बताएंगे जहां एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स एड़ी चोटी एक कर देते हैं। दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मिथिलांचल जोन में बड़ा नाम है। बिहार सरकार का यह अपना कॉलेज है। इसका इनॉग्रेशन 2008 में CM नीतीश कुमार ने किया था। यह इंजीनियरिंग कॉलेज आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना से एफिलिएटेड है। दरअसल यह संस्थान पहले जगन्नाथ मिश्रा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि JMIT के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2008 में इसी कैंपस में दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से इसे खोला गया। उस समय यह ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के अधीन था, लेकिन 2011 में इसे आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी में शामिल किया गया। इसमें 4 ब्रांचेस हैं, जिनमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस शामिल है। हर ब्रांच में 60 स्टूडेंट्स का दाखिला लिया गया है, यानी सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस में BTech की डिग्री दी जाती है। हालांकि शुरुआत में इस कॉलेज से कैंपस सिलेक्शन की स्थिति खराब थी, लेकिन अब इसमें सुधार हो रहा है। लेकिन इसमें एडमिशन लेने से पहले स्टूडेंट्स एक बार खुद से कॉलेज का फिजिकल वेरिफिकेशन जरूर कर लें। गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भी बिहार सरकार के अधीन है और यह मगध जोन की जान है। यह इंजीनियरिंग कॉलेज भी आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना से एफिलिएटेड है। वहीं AICTE मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से अप्रूव्ड भी है। पहले इसका नाम मगध इंजीनियरिंग कॉलेज था। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी, जो इस नाम से 1994 तक चला। बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया। वहीं 19 नवंबर 2008 को इसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नए लुक के साथ लॉन्च किया। गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के भवन समेत पूरे कैंपस में लगभग 87 एकड़ में फैला हुआ है तथा इसके पास 2 अकेडमिक बिल्डिंग समेत 1 वर्कशॉप तथा 2 कैंपस हॉस्टल है। हालांकि ये दोनों हॉस्टल थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए है। सेंट्रल लाइब्रेरी में कोर्स से संबंधित सारी जरूरी किताबें हैं। खास बात कि सभी हॉस्टलों में टेलीफोन, टेलीविजन, कॉमन रूम, इंडोर गेम्स कोर्ट अच्छी स्थिति में है। BTech में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग तथा सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है। भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पूर्व बिहार में बड़ा टेक्निकल इंस्टीट्यूट है। 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ फुल टाइम बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि BTech की पढ़ाई होती है। इस कॉलेज की स्थापना बिहार सरकार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की ओर से की गई थी। आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी से पहले इसका एफिलिएशन तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी से था, लेकिन 2008 में सभी टेक्निकल संस्थानों का एफिलिएशन आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी से हो गया। यहाँ पहले अंडर ग्रेजुएट एडमिशन यानी कि BTech में एडमिशन बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोर्ड यानी कि BCECE के थ्रू होता था, लेकिन 2019 से UGEAC बेस्ड एडमिशन NTA के थ्रू होने लगा। वहीं MTech में PGEAC में लाए गए मार्क्स के आधार पर एडमिशन होता है। इन आधारों पर सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग तथा मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्सों में एडमिशन लिया जाता है। इतना ही नहीं, स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए यहाँ वेल इक्विप्ड सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर सेंटर भी है। वहीं विभिन्न कोर्सेज से जुड़ी प्रयोगशाला है। यह लगभग 150 कंप्यूटर से कनेक्टेड है। इस कॉलेज में लगभग 95 वाईफाई एक्सेस पॉइंट्स दिए गए हैं ताकि स्टूडेंट्स को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। खास बात कि यहाँ की लाइब्रेरी भी पूरी तरह से डिजिटल मोड में है। इसकी किताबें भी डिफरेंट फॉर्मेट्स में है। ये टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस आदि फॉर्मेट में आपको मिलेंगे। भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में बॉयज एंड गर्ल्स के लिए हॉस्टल भी अवेलेबल है। 3 हॉस्टल बॉयज और 1 हॉस्टल गर्ल्स के लिए है। मेस की भी अच्छी व्यवस्था है। मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी।
मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की भी स्थापना बिहार सरकार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की ओर से की गई थी। इसकी स्थापना आजादी के तुरंत बाद 25 सितंबर 1954 को हुई थी। वहीं 21 अप्रैल 1956 को इसका उद्घाटन देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इस कॉलेज में इंजीनियरिंग और फार्मेसी फैकल्टी में अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की पढ़ाई कराई जाती है। इस समय इसकी स्थापना हुई थी, उस समय इसका नाम कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग मुजफ्फरपुर था। बीटेक में सिविल इंजीनियरिंग की पहले से यहां पर पढ़ाई होती थी। 1960 में इसमें दो फैकल्टी मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को ऐड किया गया था। इसके साथ ही इसका नाम मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MIT किया गया। इसी तरह इस कॉलेज में फार्मेसी और लेदर टेक्नोलॉजी को 1978 में ऐड किया गया। वहीं 2001 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग को जोड़ा गया। सरकार ने इसे मॉडल इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में डेवलप किया है। लगभग 85 एकड़ में फैला यह कॉलेज मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन के निकट है। इस कॉलेज में क्या नहीं है? कैंपस में एकेडमिक जोन, स्टूडेंट रेसिडेंशियल जोन, फैकल्टी एंड स्टाफ रेसिडेंशियल जोन, स्टूडेंट रिक्रिएशनल एरिया आदि है। एकेडमिक जोन में आपको ऑफिस, लेक्चर थिएटर, लाइब्रेरीज आदि देखने को मिलेंगे, जबकि स्टूडेंट रिक्रिएशनल एरिया में स्टूडेंट्स के लिए प्लेइंग ग्राउंड भी अवेलेबल है, जिनमें फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन आदि कोर्ट शामिल है। कल्चरल एक्टिविटीज के लिए यहाँ बड़ा हॉल है। इसके अलावा IT, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए भी लैब के लिए अलग बिल्डिंग बनाई गई है। यहाँ 11 डिपार्टमेंट हैं, जिनमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लेदर टेक्नोलॉजी, फार्मेसी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री तथा ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट शामिल है। IIT पटना और NIT पटना। पटना में इंजीनियरिंग के दो बड़े बड़े संस्थान हैं, इनमें एक IIT पटना और दूसरा NIT पटना शामिल है। पहले बात करते हैं IIT यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना की। इसकी स्थापना पटना मुख्यालय से सटे बिहटा में हुई है। इसकी नींव कपिल सिब्बल ने 2011 में रखी थी, जबकि बिहटा कैंपस का इनॉग्रेशन 25 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। आपको बता दें कि यह संस्थान जब खुला था तब यह पाटलिपुत्र कॉलोनी में संचालित होता था, बाद में यह परमानेंट रूप से बेटा में शिफ्ट हो गया। बेटा स्थित IIT कैंपस में ही आपको सभी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, सेंट्रल लाइब्रेरी, डायरेक्टोरेट से लेकर सभी डीन के कार्यालय भी मिल जाएंगे। शुरुआत में एम्प्लॉयज रिसर्चर्स में शामिल प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य, डॉक्टर जिमसन मैथ्यू, डॉक्टर अरिजीत मंडल समेत अन्य ने इसके डेवलपमेंट में अपनी अहम भूमिका निभाई है। यहाँ बीटेक और एमटेक के अलावा PhD भी कराई जाती है। UG कोर्सेज के तहत बीटेक में केमिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग तथा इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है। इसी तरह से PG कोर्सेज के तहत एमटेक में कम्युनिकेशन सिस्टम, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल साइंसेज, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोर्सेज शामिल है। वहीं PhD में कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स तथा मैथमेटिक्स एंड ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज सब्जेक्ट भी शामिल है। बीटेक के सभी कोर्सेज 4 साल के और एमटेक के कोर्सेज 2 साल तथा PhD के सभी विषय 3 साल के सेशन वाले हैं। अब बात करते हैं NIT पटना की। NIT पटना यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना मुख्यालय में अवस्थित है। इस संस्थान को साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमैनिटीज में हाई लेवल एजुकेशन, ट्रेनिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए एक्सेलेंस घोषित किया गया है। यह अपने स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन के साथ ह्यूमन वैल्यूज के बारे में भी जानकारी देता है। कॉलेज ऑर्गेनाइजेशन की ओर से वर्कशॉप्स, इवेंट्स के माध्यम से स्टूडेंट को कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग किया जाता है। इतना ही नहीं, स्टूडेंट को यह संस्थान वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। बात IIT की हो या फिर NIT की, इन संस्थानों में एडमिशन लेना हर किसी का सपना होता है। जिसका सपना पूरा हो गया, समझिए उसकी जिंदगी बन गई। खास बात कि NIT हो या फिर IIT, इन दोनों का कैंपस सिलेक्शन में कोई भी जोड़ नहीं है। IIT के स्टूडेंट्स तो करोड़ों का पैकेज भी ले रहे हैं। बहरहाल बिहार में इनके अलावा भी कई सरकारी और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, लेकिन स्टूडेंट या उनके अभिभावकों से यही रिक्वेस्ट है कि वे कहीं भी एडमिशन करवाएं, लेकिन इससे पहले एक बार जगह का फिजिकल वेरिफिकेशन जरूर करें और तमाम जानकारियां हासिल कर लें। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल 5 PM को सब्सक्राइब करें, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।